आज बनाएंगे पोहे का हलवा, एकदम सॉफ्ट दानेदार, डिफरेंट टेस्ट में बनेगा और सारे सामान आपको घर में ही मिल जाएंगे। इसे हम आज चीनी से नहीं गुड़ से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा। नमस्कार, nishamadrika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये एक कप पोहे वजन में 75 ग्राम, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। छानने से ही एकदम क्लीन हो जाता है, जो इसमें रह गया है इसे हटा दीजिए और इस पोहे को आप डाल दीजिए कढ़ाई में, फ्लेम ऑन कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनिए थोड़ी देर। जब तक कढ़ाई नहीं गर्म हो तब तक फ्लेम तेज रख लीजिए, इसके बाद कम कर लीजिए। 5 मिनट भून लिया, खुशबू निकल रही है इनमें से और ये क्रिस्प भी हो गए हैं। पोहे तो वैसे ही भुने हुए होते हैं लेकिन थोड़ा सा रोस्ट करना होता है। फ्लेम बंद कर दीजिए और इन्हें निकाल लीजिए एक प्लेट में। इनका कलर चेंज नहीं करना है। अब इन्हें ठंडा होने दीजिए। ठंडे होने के बाद इन्हें जार में डाल दीजिए और पीस लीजिए। बिल्कुल आटे की तरह से बना लीजिए, हल्का दरदरा आटा। ये पीस किया, एकदम दरदरा सा है, जैसे सूजी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह का। और इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट देने के लिए हम डाल रहे हैं 1/2 कप ताज़ा ग्रेटेड नारियल। पीसने के लिए दूध का यूज़ कर लीजिए, 1/4 कप दूध, और इसे हल्का दरदरा सा पीस लीजिए। इसका टेस्ट इस हलवे में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये पोहे का पाउडर है, इसी में ये डाल दीजिए। मिला देते हैं। ये पूरा टोटल हमने 2 कप दूध लिया है, तो उसमें से थोड़ा सा नारियल में डाल के पीस लिया, बाकी का ये, तो ये भी सब मिला देते हैं, जार में डाल लेते हैं ताकि बचा हुआ नारियल भी इसमें आ जाए। अब पोहे को अच्छे तरीके से इसमें मिला दीजिए, सारा दूध डाल दीजिए। पोहे का हलवा आप पानी से भी बना सकते हैं लेकिन दूध डालकर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये दूध, नारियल और पोहे का घोल बन गया। अब इसे मीठा करने के लिए गुड़ का घोल बनाएंगे। तो ये 1/4 कप गुड़, वजन में 150 ग्राम तोड़ कर ले लिया है। चीनी भी डाल सकते हैं। इसमें डाल दीजिए 1/4 कप पानी और गुड़ के घुलने तक इसे कुक कर लीजिए। पोहा 75 ग्राम था और गुड़ हमने ले लिया 150 ग्राम, पोहे का दुगना, क्योंकि दूध भी है तो हलवा अच्छे से मीठा होना चाहिए। आप अपनी पसंद के अनुसार गुड़ को थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये गुड़ का सिरप बन गया। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे उतार कर दूसरी तरफ रख लेते हैं। अब वही कढ़ाई ले ली जिसमें हमने पोहे भुने थे, इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच घी। ये 10-12 काजू 2 टुकड़े करते हुए काट लिए और ये 10-12 बादाम, ये भी थोड़े से बड़े टुकड़े करते हुए काटे हैं, 1 बादाम के 4 टुकड़े कर लिए हैं। इन्हें हल्का सा भून लीजिए। इन्हें भूनने के बाद अब इसी में डाल दीजिए 2 टेबल स्पून किशमिश, इन्हें भी इसके साथ भून लीजिए। काजू का हल्का सा कलर चेंज हो गया, किशमिश फूल गई, ये भून गए, इन्हें निकाल लीजिए एक प्लेट में। अब इस कढ़ाई में ये जो गुड़ का सिरप बनाया था इसे छान कर डाल दीजिए। गुड़ में थोड़ी बहुत कभी कभी इम्प्योरिटी आ जाती है, वो निकल जाती है। फ्लेम बंद है और ये देखिए पोहा कितना बढ़िया सा फूल के तैयार हो गया। अब इसे भी इसी गुड़ में डाल दीजिए, फ्लेम ऑन कर दीजिए और अब इसे चलाते हुए कुक कीजिए। मीडियम हाई फ्लेम पर ही इसे कुक करिए अभी, क्योंकि ये पूरा ठंडा है। इसे कुक करते हुए 5 मिनट हो गए और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालिए घी। बिना घी के तो हलवे में अच्छा टेस्ट आएगा ही नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में 1-1 चम्मच घी डालते जाइए और इसे चलाते हुए कुक कीजिए। ये काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है और हम इसमें 1-1 चम्मच करके घी भी डालते जा रहे हैं। इसे कुक करते करते 15 मिनट हो गए, लगातार चलाते हुए कुक कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा घी डालते जा रहे हैं। और अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया है। अब इसमें डाल दीजिए ड्राई फ्रूट, थोड़े से बचा लीजिए गार्निशिंग के लिए। और ये 6 इलायची कूट कर पाउडर बना लिया, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और 1/4 छोटी चम्मच से आधी सिनेमन पाउडर, यानी 1/8 छोटी चम्मच मिला दीजिए। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना पसंद हो उतना डाल लीजिए। इसमें पूरा 1/2 कप घी यूज़ हो गया। फ्लेम बंद कर देते हैं। टेस्ट में बिल्कुल जैसा मूंग की दाल का हलवा होता है ना, बिल्कुल वैसा लगेगा। तो ये बन गया पोहे का हलवा। देखने में ही लग रहा है ना कितना टेस्टी है। आप एक बार बनाकर खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसे बनाना एकदम आसान है। आपने वीडियो देख लिया
आप इसे बिल्कुल अच्छा बनाकर तैयार करेंगे। तो जब भी आपका हलवा खाने का मन करे, आप इसे बनाकर खाइए, सभी को खिलाइए और बताइए कैसा लगा। और अपने सजेशन मुझे देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।